लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 23 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस भारत यात्रा पर आए हुए थे, इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, जो उप प्रधानमंत्री भी है व रक्षा मंत्री है जिनका नाम है रिचर्ड मार्लिस, तो इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, अक्सर आप यदि देखेंगे तो आपको कई बार जो बड़े एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है या फिर राष्ट्राध्यक्ष के बाद दूसरे स्थान का जो व्यक्ति होता है, वहाँ से हमें प्रश्न देखने को मिलते है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में प्रधानमंत्री के भी नए प्रधानमंत्री इलेक्टेड हुए हैं, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है राम बहादुर राय। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को कौन सी सूची में सम्मिलित किया गया है? तो पाकिस्तान को यहां पर ग्रे सूची में सम्मिलित किया गया है। FATF की फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है, कई एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। देखिए, FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसके द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ में देखिए, FATF की स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में और उसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मार्कस प्लेयर। FATF का उद्देश्य क्या है? तो ये आपको याद रखना है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ हिल में पुनर्निर्मित किस मंदिर का उद्घाटन किया है? इस मंदिर का नाम है श्री कालिका माता मंदिर। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने मौजूदा विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को हराकर फिनलैंड के कुओर्टेन खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44th शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इस वर्ष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE ने ओलंपिक परंपरा के हिस्से के रूप में शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला पहला देश बना है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गृहिणी योजना के अंतर्गत कितने सिलेंडर निःशुल्क में दिए जा रहे हैं? उनकी संख्या है 3। साथ में आपको याद रखना है, गृहिणी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के करीब 3.32 लाख लोगों को गृहिणी योजना का लाभ मिल रहा है। भारत के राज्यों की बात करें तो धुआं रहित जो पहला राज्य बना है उसका नाम भी हिमाचल प्रदेश है, जिसमें गृहिणी योजना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परमाणु स्थित ट्रिपल ट्रेल रिजॉर्ट TTR हादसा कब गठित हुआ था? तो ये हादसा हुआ था 11 अक्टूबर 1992 में और हाल ही में यहीं पे इसी ट्रिपल ट्रेल रिजॉर्ट में एक पुनः घटना रिपीट होती है, जिसके सभी यात्रियों को सुरक्षित हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बचाया जाता है, तो इस कारण से पिछली घटना भी सुर्खियों में रही है। वर्ष 1990 का दौर शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में परमाणु स्थित शिवालिक पहाड़ियों में केबल कार टिम्बर ट्रेन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। समुन्द्र तल से करीब 5000 फुट की ऊंचाई पर केबल कार से वादियों को निहारते हुए 1.8 किलोमीटर का सफर मन को रोमांचित कर देता है। पहले समर पेटेंट स्कूल का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस प्राइवेट विश्वविद्यालय द्वारा किया गया? तो इस प्राइवेट विश्वविद्यालय का नाम है सुलुनी विश्वविद्यालय। वडियाल्टा नामक पैराग्लाइडिंग साइट हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नोहराधार सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के स्थान में 27th मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है न्यायाधीश अमजद ई सईद। ईलाइट स्टडी कोरटिन वेबसाइट को आप विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कुछ नवीनतम किताबें मिल जाएगी, इन किताबों के साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ये किताबें ऐसे अध्यापकों के द्वारा बनाई गई जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्वालिफाई की है, तो आप बने रहिएगा ईलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ईलाइट स्टडी।
YouTube चैनल।